दोस्तों मैं हूं शफीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल मीडिया क्लिप्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 के बारे में, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। इंडिया में ये कब तक लॉन्च होगा, क्या होंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या होंगे इसके प्राइस, इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की गई हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए देरी न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्क्रीन से शुरू करते हैं। इसका स्क्रीन कितना है, तो आपको इसमें फुल HD प्लस का स्क्रीन मिल जाएगा 6.3 इंच का। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में कि फ्रंट में कौन सा कैमरा है, बैक में कौन सा कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का बैक में कैमरा है और कितने मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा है। तो शुरू करते हैं बैक से। बैक में आपको दो कैमरे मिलेंगे, आपको प्राइमरी कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, आपको सेकेंडरी कैमरा जो है वहीं पे 5 मेगापिक्सल का मिलता है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे की कि सेल्फी कैमरे में कितना मेगापिक्सल दिया गया, आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी के लिए कि इसमें कौन सी बैटरी दी गई है, कितने एमएएच का बैटरी है, आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि शाओमी बैटरी के लिए बहुत ही अच्छा जाना जाता है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सा दिया गया है। प्रोसेसर के बारे में आप सुन करके आप बहुत ही दंग रह जाएंगे, बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि इसमें ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 अपनी प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इसका प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। प्राइस मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इसमें बात कर लेते हैं नॉच के बारे में कि इसमें कौन सा नॉच दिया गया। इसमें यू शेप का आपको एक नॉच मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें USB टाइप के बारे में, कौन सा USB केबल दिया गया आपको। इसमें USB टाइप सी का केबल मिल जाएगा, जो कि Xiaomi का पहला मोबाइल है जिसमें USB टाइप सी केबल दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है कि USB टाइप सी केबल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये USB टाइप सी का फायदा ये होता है कि आप इसको दोनों तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मोबाइल के कलर के बारे में कि इसमें कौन सा ब्लू ग्रेडियंट कलर में आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। जी हाँ, बैक में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं चार्जिंग के बारे में, क्या इसमें कौन सा चार्ज दिया गया आपको। बॉक्स में 10 वाट का एक चार्ज मिल जाएगा, मगर ये क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है। बाहर से आप क्विक चार्ज 4 सपोर्ट करने वाला चार्जर, फास्ट चार्जर मतलब, खरीद करके आप 1 घंटा 43 मिनट में चार्ज कर सकते हैं इस मोबाइल को। अब बात करते हैं इसमें प्रोटेक्शन कौन सा दिया गया, ग्लास का कौन सा प्रोटेक्शन है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इसमें आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं ये मोबाइल जो 3 वेरिएंट में है, कौन कौन से वेरिएंट है, किस किस तरह के हैं। तो सबसे बेस वेरिएंट है, सबसे पहला वेरिएंट आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ आपको 10,500 के आसपास मिलने की अनुमान करते हैं, मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं दूसरे वेरिएंट की, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आपको 12,500 के आसपास तकरीबन मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इसके तीसरे वेरिएंट की, जिसमें आपको 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आपको 14,500 के आसपास मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस और इंडिया में उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस इस Redmi Note 7 के बारे में। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।